सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 16x16 बॉर्डर ओनली वर्ल्ड में। यहाँ हर दिन हमारा बॉर्डर एक्सपांड होते रहेगा और एक्सपांड हुई जगह को हमको ट्रांसफॉर्म करना होगा और ये हम हार्डकोर में करने जा रहे हैं। और एक चीज, मैं हार्डकोर फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, तो देखते हैं मैं सर्वाइव कर पाता हूँ कि नहीं 100 डेज। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो डे 1 पे मैं थोड़ा बॉर्डर एक्सप्लोर करता हुआ, हमारे बॉर्डर के अंदर एक चिकन, एक भेड़ और एक पिग आ गया था और कुछ पेड़ वगैरह भी आ गए थे। उसके बाद मैं कुछ लकड़ियां कलेक्ट करता हूँ और कुछ वुडन टूल्स बना लेता हूँ अपने लिए। फिर मैं थोड़ा स्टोन कलेक्ट करके हमारे टूल्स को अपग्रेड कर लेता हूँ और एक हो बना लेता हूँ। उसके बाद मेरे को ग्रास से कुछ गेहूं के सीड मिले थे, उनको मैं प्लांट कर देता हूँ। और जितने भी पेड़ अपने बॉर्डर के अंदर थे, उन सारे पेड़ों को काट के मैं उनसे लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ। लकड़ियाँ कलेक्ट करने के बाद ऊपर तो अभी कुछ ज़्यादा बचा नहीं था, तो इसलिए मैं नीचे माइनिंग करने के लिए चला जाता हूँ। और माइन करते करते मुझे कुछ कोल वगैरह मिलता है, तो मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूँ और आगे माइन करने लग जाता हूँ। और माइन करते वक्त मुझे एक इधर गुफा मिलती है, तो इस गुफा में स्केलेटन वगैरह थे, तो मैं इनको मारता हूँ। और इनसे मेरे को बोन मिलते हैं, तो मैं उससे बोन मिल बना लेता हूँ, पर क्यों पता नहीं उसको यूज ही करना मैं भूल जाता हूँ और फिर से चला जाता हूँ माइन करने। उसके बाद दूसरे दिन ऊपर आके मैं बोन मिल से गेहूं ग्रो कर लेता हूँ और उससे एक ब्रेड बना लेता हूँ और उस ब्रेड से मैं अपनी भूख मिटा लेता हूँ। उसके बाद मैं फिर से माइन करने के लिए नीचे चला जाता हूँ और इधर कुछ आयरन माइन करके मैं एक बाल्टी बना लेता हूँ। और इधर मेरे को वाटर सोर्स मिल गया था, उधर से वाटर लेके ऊपर फार्म के पास डाल देता हूँ। उसके बाद मैं एक शेयर बना के बेड से वूल कलेक्ट कर लेता हूँ और उससे एक बेड बना लेता हूँ। और थोड़ा बोन मिल बना के फिर से गेहूं ग्रो कर लेता हूँ। और माइन करके मेरे पास जितना भी आयरन था, उससे मैं एक आर्मर और कुछ टूल्स बना लेता हूँ। और एक भेड़ के लिए केल खाना, मेरा मतलब एक सेफ जगह बना देता हूँ। उसके बाद हमारे वर्ल्ड में एक स्पाइडर मॉन स्पॉट हो जाता है। साला ये स्पाइडर मॉन ऊपर ही चढ़ता जा रहा था, ऊपर ही चढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो चढ़ते चढ़ते स्वर्ग में पहुंच जाएगा, साला उसको तो स्वर्ग मिल जाएगा, पर हमारे को काम किए बिना कुछ नहीं मिलता। तो मैं फिर से काम को लग जाता हूँ और एक मॉब फार्म बनाने के लिए जुट जाता हूँ। तो फाइनली फार्म बन के रेडी हो गया था, पर मेरी किस्मत तो पता है आपको कितनी झंडे, हमारा मॉब फार्म वर्क ही नहीं करता। तो मैं नीचे के सारे केव्स वगैरह को भी लाइट अप कर देता हूँ, पर ये फार्म फिर भी वर्क नहीं करता। तो मैं इस फार्म को छोड़ देता हूँ और लग जाता हूँ केव को एक्सप्लोर करने। केव को एक्सप्लोर करते वक्त मुझे इधर से बहुत सारा आयरन और गोल्ड वगैरह मिल जाता है, तो मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं अब एक घर बनाने वाला था, उसके लिए मैं ये ड्रॉइड जो भी होता है उसको कलेक्ट कर लेता हूँ। और मेरे को बहुत सारा डिप स्लेट भी चाहिए था, तो मैं डिप स्लेट को माइन करने लग जाता हूँ। डिप स्लेट माइन करते समय मुझे एक स्केलेटन स्पॉनर मिल जाता है, तो मैं स्केलेटन स्पॉनर को लाइट अप कर देता हूँ। और इन चेस्ट में से मेरे को बहुत बढ़िया लूट मिलती है, तो मैं इन सारी लूट को कलेक्ट कर लेता हूँ और चलता हूँ फिर से माइनिंग करने।
माइनिंग करते करते मुझे एक डायमंड मिल गया था, तो मैं इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ, पर ये साला सिंगल था बिल्कुल मेरी तरह। साला हमारी जिंदगी में बहुत गम है। इसी बात पे मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो उसके बाद में सारा सामान लेके ऊपर आ जाता हूँ और कोबलस्टोन स्मेल्ट करने लगा देता हूँ, और मैं चलता हूँ हमारे एरिया को क्लियर करने और एक घर बनाने। फाइनली मेरा घर बनके कंप्लीट हो गया था, तो मैं सोचता हूँ अपने फ्लोर को ब्लैक एंड व्हाइट कारपेट से कवर कर दूँ। तो मेरे पास जितना भी वूल था उससे मैं ब्लैक एंड व्हाइट कारपेट बना लेता हूँ और कवर करने लग जाता हूँ। पर मेरे को वूल कम पड़ जाता है, तो मैं ये बाद में करता हूँ। तब तक मैं अपने बार हाउस के लिए एरिया क्लियर करने लग जाता हूँ। फाइनली एरिया मतलब हमारा क्लियर हो गया था। अभी मैं इधर बार हाउस बनाने के लिए लग जाता हूँ। आप देख सकते हो हमारा बान हाउस बन के रेडी हो गया था। कितना ओपी लग रहा है हमारा बान हाउस एकदम एसजे ओपी जैसा। तो मैं मेरे सारे भेड़ों को और मुर्गियों को हमारे बान हाउस में इंपोर्ट कर देता हूँ, और ये सब करके मैं डायमंड माइनिंग के लिए चला जाता हूँ। तो मैं माइन करते करते वाई लेवल -53 पे आ गया था, तो मैं इधर से स्ट्रिप माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। थोड़ा ही माइन करने के बाद मुझे डायमंड्स मिल जाते हैं, पर ये भी साला एक ही था, तो मैं थोड़ा आजू बाजू उसके खोदता हूँ तो मुझे और एक डायमंड मिल जाता है। तो मैं इन दोनों डायमंड को कलेक्ट कर लेता हूँ और चलता हूँ आगे माइनिंग करने। उसके बाद मुझे एक लावा पूल मिलता है, तो मैं इधर से थोड़े ऑब्सिडियंस भी कलेक्ट कर लेता हूँ और बढ़ता हूँ माइन करने। और माइन करते वक्त मुझे एक माइन शाफ्ट मिलती है। इस माइन शाफ्ट में बहुत सारा आयरन, आयरन के ब्लॉक्स, डायमंड्स वगैरह मिलते हैं, तो मैं इनको सारे को कलेक्ट करता हूँ। और इधर कुछ स्पाइडर स्पॉनर्स भी थे, तो मैं इनको भी लाइट अप करता हूँ और आ जाता हूँ ऊपर अपने बेस के पास। ऊपर आके मेरे पास जितने भी डायमंड्स थे उनसे मैं आर्मर वगैरह बना लेता हूँ और कवर हो जाता हूँ फुल्ली डायमंड से। तो ये सब करके मैं जंगल एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। जंगल एक्सप्लोर करते वक्त मुझे एक पिग और दो गाय मिल गए थे, तो इनको भी मैं हमारे बान हाउस में लेके आता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ शुगर कैंस देखे थे, पर वो वर्ल्ड बॉर्डर के बाहर थे। अभी जाके चेक करते वो वर्ल्ड बॉर्डर के अंदर आ गए कि नहीं। तो फाइनली हमारे शुगर कैंस वर्ल्ड बॉर्डर के अंदर आ गए थे,
तो मैं इनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ और हमारे बेस के पास प्लांट कर देता हूँ। उसके बाद मैं 2-3 राधे एफके करता हूँ हमारे जॉम्बी विलेजर्स के लिए और हमको फाइनली 2 जॉम्बी विलेजर्स भी मिल जाते हैं, तो मैं इनको भी ट्रैप कर लेता हूँ और चलता हूँ नेदर में। नेदर में आते ही मुझे एक ग्रीन बॉय मिल जाता है। इधर बहुत सारे एंडरमैन्स थे तो मैं इनको भी मारने लग जाता हूँ। क्यों पता नहीं इनको मैं क्यों मारता हूँ, इनका तो कोई यूज भी नहीं था, पर इनको मारने बहुत मजा आता है। तो मैं इनसे एंडर पल्स कलेक्ट करके एक बेशन में चला जाता हूँ, बेशन लूट करने, और एक मेरे लिए फार्म भी बना देता हूँ। पर ये सब करते वक्त मेरे रिकॉर्डर ने दम तोड़ दिया था। कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है, बस आप इमेजिन करो मैं बेशन लूट रहा हूँ और एक फार्म बना रहा हूँ, और ये देख सकते हो हमारी फार्म की फाइनल लुक। यह हमारा फार्म भी बन के रेडी हो जाता है। ये फार्म बना के मैं फिर से नेदर एक्सप्लोर करने चला जाता हूँ। और नेदर एक्सप्लोर करते करते मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस मिल जाती है, तो मैं इधर से कुछ नेदर वॉट और ब्लेज रॉड्स भी लेके आता हूँ और इनसे पोशन ऑफ वीकनेस बना के और हमारे जॉम्बी विलेजर्स को भी क्योर कर देता हूँ। जॉम्बी विलेजर्स को क्योर करने के बाद मैं एक इंचार्टेड एरिया और एक स्केलेटन एक्सपी फार्म बनाने के लिए लग जाता हूँ। फाइनली हमारा स्केलेटन एक्सपी फार्म बन के रेडी हो गया था। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है हमारा स्केलेटन एक्सपी फार्म। तो मैं इधर से एक्सपी कलेक्ट करके इंचांटिंग करने चला जाता हूँ। मेरे टूल्स को थोड़ा बहुत इंचांट करने के बाद मैं सोचता हूँ कि एक ट्रेडिंग हॉल बनाया जाए, तो मैं ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए लग जाता हूँ। तो ट्रेडिंग हॉल बनाने के बाद मैं इधर कुछ शुगर केन्स कलेक्ट करने आ जाता हूँ, पर इधर एक पिलेजर आ गया था, तो इसको मारने के बाद मेरे को बैड मनी इफेक्ट मिलता है और मैं गलती से हमारे विलेजर के पास जाता हूँ और इधर रेड भी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं सारे रेडर्स को मार के रेड विक्टरी कर देता हूँ।
और इस रेट से मेरे को टोटल 4 टोटम्स मिल जाते हैं, तो मैं 3 चेस्ट के अंदर रख देता हूँ और अपने विलेजर्स को ट्रेडिंग हॉल में ले जाता हूँ। इन विलेजर्स को ट्रेडिंग हॉल में ले आने के बाद उनको थोड़े ब्रेड दे देता हूँ, क्योंकि ये लोग अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए, तो मैं इनकी ब्रीडिंग करा के इनसे बहुत सारी ट्रेडिंग कर लेता हूँ और मेरे सारे आर्मर टूल वगैरह को मेंडिंग भी लगा देता हूँ। तो ऐसे करके हमने 100 डेज सर्वाइव कर दिए थे 16x16 बॉर्डर ओनली वर्ल्ड में, जो कि हमने पहली बार खेला था हार्डकोर में। और मुझे बहुत सारी चीजें बनानी थी पर टाइम की कमी की वजह से हम बना नहीं पाए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम हार्डकोर खेल रहा था, बहुत आहिस्ते मतलब डर डर के खेल रहा था, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगा मेरे को सब कुछ बिल्ड करने। तो ऐसे आपको हार्डकोर वगैरह की सीरीज देखनी है तो मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।